स्पोर्ट्स फ्लैशेस में एक बार फिर से स्वागत है आपका मैं हूं आकाश मेरे साथ हैं अंकुश और घड़ी आ चुकी है वो यानी कि आज होने वाला है मुकाबला पंजाब किंग्स और राजस्थान रॉयल्स का जी हाँ आईपीएल का आईपीएल 2021 का चौथा मुकाबला है ये आ, पहले की तीन मैचेस बहुत ही नेल बाइटिंग रहे ज, कल का जो मुकाबला रहा सनराइजर्स हैदराबाद का और कोलकाता नाइट राइडर्स का वो थोड़ा सा आ, इतना नेल बाइटिंग नहीं रहा आखिरी में आकर 10 रन से वहां पर जरूर सनराइजर्स हैदराबाद हार गई लेकिन हाँ आज का मुकाबला बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है

जो पलरे हैं वो बिल्कुल बराबर से हैं। आठ मैच खेले गए हैं वहां पर चार जीती है राजस्थान और चार जीती है पंजाब मतलब दोनों टीमें ने अपने अपने चार चार मैचेस जीते हैं और ओवरऑल अगर हम हेड टू हेड की बात करें पंजाब का और राजस्थान का बिल्कुल के खिलाफ जो दहाड़ने की बात है देखिए राजस्थान 12 मैच जीती है पंजाब 9 मैच जीती है तीन मैच का फर्क है 21 मैच हुए टोटल इनके तो तीन ज्यादा जीती है उनसे, तो यहाँ पर क्या ये क्रिस गेल का इफेक्ट होगा के राहुल अब आजकल फॉर्म में चल रहे हैं ये सारी चीजों के कारण मेरे ख्याल से हो सकता है कि देखिए आर आर का यहाँ पे पलरा भारी है बारह मैच जीते हैं इक्कीस में से नौ मैच वहां पर किंग्स इलेवन पंजाब जो पहले थी अब पंजाब किंग्स है तो अब जो है मेरे ख़्याल से यहाँ पर थोड़ा सा हम डाउटफुल हैं क्योंकि बल्लेबाजी जो है बहुत अच्छी है अगर मैं बात करूँ किंग्स इलेवन पंजाब की लेकिन हाँ शायद गेंदबाजी के मामले में थोड़ा सा वहाँ पर मात खा जाते हैं यही रीज़न रहा है कि तीन मैचेस जो हैं वो हारे हैं ये आगे देखना होगा कि क्या इस सीज़न में दो के सीज़न में किस तरीके से इस हार को जीत में कन्वर्ट कर पाते हैं चलिए अगर बैट टू हेड टू हेड अगर हम एवरेज स्कोर की बात करें इन दोनों ही टीमों की तो वहां पर जो है समानताएं देखने को मिलती हैं अगर राजस्थान की बात करें पंजाब के खिलाफ तो 170 का uh, जो है एवरेज स्कोर रहता है वहीं अगर पंजाब की बात करें राजस्थान के खिलाफ तो करीब वन uh, का रहता है टारगेट uh, जो एवरेज स्कोर रहता है तो यहां पर दोनों ही टीमें एक दूसरे के बराबरी पर हैं तो आज के इस मैच में आपको लग रहा है कि यहाँ पे स्कोर यही रहेगा या ऊपर जाएगा मुझे लगता है कि आज का स्कोर भी एक सौ के बीच बीच में रहने वाले जी बिल्कुल अगर हम बात करें आ, क्योंकि इसी मैदान में जो है चेन्नई सुपर किंग्स और आ, डेली कैपिटल्स के जो है वहाँ पर बात करें तो मैच हुआ था मैच हाई स्कोरिंग मैच था लेकिन उसको डेली कैपिटल्स ने बहुत आराम से चेस डाउन कर लिया था तो डेफिनेटली बैटर्स पैराडाइज है ये और ब, गेंदबाजों के लिए थोड़ा सा मुश्किल का सबब यहाँ पे पैदा होता है अगर एक बार बल्लेबाज सेट हो जाए हमने देखा जिस तरीके से पहले रन पहली विकेट की साझेदारी करीब एक रन की रही डेली कैपिटल्स की आ, आ, पिछले मैच में आ, और वहां पर जिस तरीके से अगर मैं बात करूं शॉ ने और धवन ने मिलकर जो ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करी उसके बाद कप्तान ऋषभ पंत आए उन्होंने विनिंग शॉट वहां पर लगाए तो डेफिनेटली बैटर्स पैराडाइज है ये पिच तो यहां पर बल्लेबाजों के लिए बहुत कुछ है और मेरे ख्याल से के ल, राहुल जैसे बल्लेबाज और क्रिस गेल जैसे बल्लेबाज जो जिनको बल्लेबाजी करने में बहुत मजा आता है उनको देखने का हमें मौका मिलेगा और साथ ही साथ अगर मैं राजस्थान की बात करूं तो वहां पर आपको संजू सैमसंग है बहुत हार

साइन है अगला ही मैच देखिए यहाँ पर है ठीक है वो दूसरा मैच था ये चौथा मैच है तो यहाँ ये साइन है कि ये जो बड़े बड़े खिलाड़ियों के आज आपको नाम ले रहे हैं बेन स्टोक्स का नाम ले रहे हैं पटलर का नाम ले रहे हैं आप आप राहुल का नाम ले रहे हैं तो ये सारे के सारे बल्लेबाज जो हैं ये इस ग्राउंड में उस

के एल राहुल और साढ़े तीन सौ रन उन्होंने बनाए हैं और बात करें अगर के एल राहुल की तो पिछले सीजन में यानी 2020 में जब आईपीएल दुबई में खेला गया था तो वहां पर ऑरेंज कैप भी उनको वहां पर जीतने के लिए मिली तो डेफिनेटली एक बहुत अच्छे दावेदार हैं टी के हमने देखा कि भाई और खासकर जो जोड़ी है क्रिस गेल और के राहुल की जिस जब जिस तरीके से शुरुआत करते हैं दोनों बल्लेबाज तो ओहो हो जब बॉल है ना बॉल तो सीधा स्टैंड में जाती है मैं तो कहता हूँ एक बॉल ना स्टैंड भी रख देनी चाहिए जब जाए वहां पर तो वहां से एक बॉल आप फेंकीिए वो दूसरी बॉल आप अपने पास रखिए सैनिटाइज करके रखिए <laughs> कमाल की बात है कि जब आप अच्छी फॉर्म में होते हैं तो आपको मज़ा आ रहा होता है और आपका बल्ला बार बार आपको रन उससे बहते हैं तो वो छक्के लगते हैं चौके लगते हैं और आप अपने आप को हमेशा एक सिक्योरिटी मतलब आप संतुष्टि आपको रहती है रनों की तो आप सुरक्षित हैं पिछले साल आपको ऑरेंज कैप मिला है तो आप सुरक्षित हैं पिछले साल के सीज़न की बात करें तो आप चैम्पियन परफॉर्मर हैं पिछले साल के तो अभी ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ था मेरे ख्याल से कितना सात महीने हुए होंगे अभी मुश्किल से छः सात महीने पहले की बात है तो आपने उसके बीच में कई मैचेस इंटरनेशनल मैचेस खेले यहाँ पर हमारे यहाँ हुए फिर आप बाहर भी गए खेलने के लिए लेकिन यहाँ देखना है कि अब आपको इस सीजन में कहते हैं कि आपको नई शुरुआत के साथ करना है तो नया चमत्कार करना है आपको तभी नमस्कार किया जाएगा तो ये आपके लिए अब एक नई चुनौती है दो किसके इस आईपीएल की तो यहाँ पे आप आप अपना पहला मैच खेल रहे हैं आज सीजन का चौथा मैच है आईपीएल का लेकिन आपका ये आपकी टीम का पहला मैच है यहां पर आपको आपकी ऑरेंज कैप का वो स्टैंडर्ड्स आपको मेनटेन रखने हैं देखते हैं कि अब क्या मिलता, मिलता है ख्याल से मेरे को लगता है ना अंकुश लड़ाई किसके बीच में होने वाली है लड़ाई होने वाली है गब्बर के बीच में पृथ्वी शॉ के बीच में और के राहुल और क्रिस गेल के बीच में कि सबसे ज्यादा रन कौन बनाएगा लेकिन हाँ मेरे को लगता है वहां पे डेविड मलान क्योंकि हमको बोलना नहीं चाहिए कि वो आईसीसी के टी के टॉप रैंकिंग बल्लेबाज हैं तो यहां पर यह भी एक कंटेंडर हो सके देखिए देखिए एक बात बताऊँ मैं आ, यहां पर रहना भी फॉर्म में वापस है बिल्कुल ठीक है यहां पे आप देखें तो कल के मैच की बात करें तो बेस्टो बिल्कुल पहले मैच में क्योंकि वो बहुत डेंजरस खिलाड़ी है वो खतरनाक है वो खतरे की बहुत बड़ी घंटी है बिल्कुल आप अगर इन, इनको देखेंगे ना बेसों को लगातार खेलते हुए तो आप सारे खिलाड़ियों को अलग कर देंगे और इस अकेले खिलाड़ी को मैं वन मैन आर्मी नहीं बोलता इनको लेकिन कहने का मतलब की एक नया आपको रंग दिखता है इनको खेलते हुए बिल्कुल और हम जब बल्लेबाज कल के मैच की बात कर ही रहे हैं तो हम नीतीश राणा को बिल्कुल नहीं भूल सकते क्या बहुत अमेजिंग पारी उन्होंने वहां पर खेली तो वो भी एक बड़े दावेदार हो सकते हैं इस साल पांडे ने भी देखी कल बहुत अच्छी बैटिंग की बिल्कुल अच्छी बैटिंग की ठीक है थोड़ी सी गलतियां हुई उनसे पेस अटैक को थोड़ा सा वो लैक कर रहे थे थोड़ा सा फुटवर्क नहीं चल रहा था लेकिन कहते ना कि आप हर गलती से जल्दी सीखते हैं और ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे आप खेल रहे हैं तो आपके पास ज्यादा समय होता ही नहीं है कि आप गलती को मतलब कि उस गलती के साथ चले आपको उसी टाइम बुलाना है और उस गलती से सीख लेनी जी बिल्कुल चलिए बल्लेबाजी से चलते हैं गेंदबाजों की तरफ तो अगर बात करें कि आर आर के लिए आ, अगर हम बात करें कि पंजाब के खिलाफ सबसे ज्यादा विकेट लिए, तो यहां पर नाम आता है स्टोक्स का विकेट उन्होंने चटकाई है वहीं अगर बात करें कि पंजाब के लिए आर आर के खिलाफ किससे विकेट लिए तो यहां पर है नाम मोहम्मद शमी का लेकिन शमी अभी मेरे ख्याल से शायद अभी आपको लगता है कि इस प्लेइंग इलेवन में उनको चांस मिलेगा जो आज का मुकाबला है देखिए मैं बताऊं आपको तो शमी को चांस मिलना चाहिए क्योंकि डेप्थ ओवर्स में ये बहुत बढ़िया सटीक गेंदबाजी करते हैं जैसे कप्तान को उम्मीद होती है जैसे कप्तान को टाइम कहता है ना कि वो ये समय जरूरत का है और नीड ऑफ द आवर नीड ऑफ द टाइम क्या है तो वो एक ऐसा खिलाड़ी है कि डेप्थ ओवर्स में लास्ट ओवर्स में बहुत सही अगर बुमराह के बाद की बात करें या फिर आप एक और खिलाड़ी का मुझे नाम याद नहीं आ रहा रबाड़ा की बात करें जी बिल्कुल डेप्थ ओवर्स में तो ये लड़का इन दोनों के बाद अपना छाप छोड़ता है शमील। जी बिल्कुल तो चलिए अब बात करते हैं प्लेयर्स टू वॉच आउट और शुरुआत करेंगे हम राजस्थान रॉयल्स के साथ और यहां पर जैसे कि हम बात कर रहे थे बटलर की तो बटलर पहले ऐसे अगर हम बात करें खिलाड़ी है जिनके ऊपर सबकी नजर रहेगी अगर आईपीएल करियर की बात करें तो समवेयर अराउंड फिफ्टी एट इन्होंने इन खेले हैं और रन जो है इनके बल्ले से निकलते आए हैं तो वन एक रन ये बना चुके वहीं अगर बात करें ट्वेंटी ट्वेंटी की यानी कि पिछले साल की की इनकी परफॉर्मेंस तो तो मैचेस इन्होंने पर खेले थे 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 दुबई में जिसमें उन्होंने रन बनाए दो शतक इनके बल्ले से निकले और और स्ट्राइक स्ट्राइक रेट रेट जो इनका रहा था, वो 145 का रहा था था वो तो का काफी अच्छा स्ट्राइक रेट है और अगर ओवरऑल अगर अगर राजस्थान के अगर बात तो बोलेंगे बटलर से आज बहुत उम्मीद है हम बटलर को आज देखता जी बिल्कुल बटलर है वी हैव कम टू द ग्राउंड टू सी बटलर क्योंकि बटलर की मैंने फैन फॉलोइंग सामने देखी है वहां पे जयपुर में जब एस एम एस स्टेडियम मैच होते हैं तो आप आते जाते लोगों से पूछते हो कि आज किसको देखने आए हो आज यहाँ पे आने का कारण क्या तो दो बटलर भाई हम सिर्फ बटलर को देखने आए हैं खैर हर सीजन कुछ नया लेके आता है बिल्कुल आपके प्लेयर के लिए कुछ ना कुछ नई चुनौतियां भी खड़ी करता है और आपके लिए क्या रनों का पहाड़ भी बन जाते हैं तो देखते हैं स्टॉक्स की अगर हम बात करें ओवरऑल परफॉर्मेंस आईपीएल की इनकी फोर्टी टू मैचेस हैं नौ सौ बीस रन है विकेट्स इन्होंने अठाईस छटकाए हैं लेकिन दो हजार बीस में देखिए आठ मैचिज में दो सौ पचासी रन है एवरेज चालीस का है स्ट्राइक रेट एक सौ बयालीस साढ़े साढ़े 142 का है 142.5 का और हाई स्कोर 107 तो पिछले सीजन का सुपरस्टार है ये बिल्कुल और अगर बात करते हैं आप आईपीएल के सबसे महंगे खिलाड़ी की जी हां क्रिस मॉरिस राजस्थान ने अपने आधे ज्यादा कमाई जो है वो क्रिस मॉरिस में झोक दी थी आ, 16 करोड़ 25 लाख रुपए में इनको खरीदा सब लोग सोचते भाई क्यों क्यों आपने क्रिस मॉरिस जैसे आ, एक आ, वेटरन

तो मेरे ख्याल से लेकिन आपको क्या लगता है ये 16 करोड़ का जो इनके ऊपर ठप्पा लग चुका है अब ये जस्टिफाइड है देखिए सवा 1600 सो करोड़ है और ये भारत है सोने की चिड़िया सोने के हाथी सब मिला करते हैं और राजाओं के राज्य जी बिल्कुल राजस्थान, राजस्थान की ये टीम और राजस्थान के वहां पर आप क्रिस मॉरिस को सवा 1600 सो करोड़ में देख रहे हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है जी बिल्कुल चलिए अब बात करते हैं एक और अब लोकल बॉय की बात करते हैं राहुल तेवतिया देसी खिलाड़ी हैं अगर टोटल आईपीएल की बात करें तो 34 मैचेस इन्होंने खेले हैं रन इनके बल्ले से ज्यादा नहीं निकले तीन सौ रन इन्होंने मारे हैं और विकेट 24 विकटे इन्होंने यहां पर चटकाई है वही अगर आईपीएल दो की बात करें तो चौदह मैचेज इन्होंने खेले हैं रन

खेले थे लगातार लगा बेंगलोर की टीम के साथ तो वो वो एक पल था कि आपने अपनी पहचान आपने अपने आप को लोगों के जहन में लोगों के दिमाग में लोगों के दिल में अपने आप को उतार लिया तो बिल्कुल कुछ, कुछ मैचेस के कारण इनको आज याद किया जाता है तो इसलिए इसे हम उम्मीद कर सकते हैं कि इस बार भी शायद वैसे कुछ इनके कुछ नॉक्स और पांच छह मैच अच्छे ज्यादा खेल जाए पिछली बार से ज्यादा जी बिल्कुल बात करते हैं अब कप्तान संजू सैमसन की तो एक सौ सात मैचेज इन्होंने खेले हैं और अगर रनों की बात करें तो करीब करीब पच्चीस सौ से ज्यादा रन इनके पास है वहीं अगर आईपीएल दो हजार इक्कीस की बात करें तो चौदह मैचेज इन्होंने खेले थ्री सेवन रन इन्होंने बनाए एवरेज इनका अट्ठाईस दशमलव आठ चार का रहा वहीं अगर हम स्ट्राइक रेट की बात करें तो वन फिफ्टी एट का स्ट्राइक रेट है इनका और हाइएस्ट स्कोर इनका रहा है एट्टी फाइव का तो काफी अच्छे और काफी आक्रामक तरीके के बल्लेबाज है यहाँ पर संजू सैमसंग कुछ भी कर सकते हैं देखिए ये एनी टाइम एनीथिंग वाला मामला रहता है जब ये फॉर्म में होते हैं जब इनका मूड मतलब मूड तो नहीं आपका दिन की बात होती है जी बिल्कुल क्योंकि अब ये क्रिकेट कोई जुआ तो है नहीं कि आपका हुआ तो हुआ नहीं हुआ तो नहीं हुआ आपकी मेहनत है आपकी फॉर्म है आपका परफॉर्मेंस है लगातार आप परफॉर्म करते आ रहे हैं तो ये आपकी मेहनत का ही बिल्कुल और ये लगातार पसंद आए हैं देखिए इनके हाव भाव तरीका बैटिंग करने का शॉट खेलने का टारगेट चेज करने का कई सीजन में इन्होंने फैंस बनाए नए नए फैंस जुड़ते गए जुड़ते गए कारवा बनता गया बनता गया मैं चलता गया चलता गया बिल्कुल इनको पसंद किया जाता है यहाँ पे आईपीएल में ये वन ऑफ द मोस्ट हैं जी बिल्कुल और मेरे ख्याल से इसी का रीजन है कि आ, बड़े बड़े खिलाड़ी इस टीम की कप्तानी कर चुके हैं अजिंक्य रहने कर चुके हैं स्टीव स्मिथ इस टीम की कप्तानी कर चुके हैं और अब राजस्थान की कप्तानी जो है दी गई है यहां पर संजू सैमसंग की बात हो गई अब आते हैं पंजाब की टीम की तरफ यानी कि पंजाब किंग्स की तरफ यहां पर शुरुआत करेंगे कप्तान के ल, राहुल के साथ बहुत अमेजिंग स्टार्ट है अगर आईपीएल की बात करें तो एटी मैचेस खेल चुके हैं और छब्बीस से ज्यादा रन ये बना चुके हैं अगर पिछले साल की बात करें तो वहां पर हम हाँ आपको जिस तरीके से पहले बता चुके हैं कि भाई ऑरेंज कैप जीत चुके हैं 2020 का जो आईपीएल हुआ था 14 मैचेस इन्होंने खेले थे 670 रन इन्होंने बनाए थे एवरेज 55 का था स्ट्राइक रेट 130 और हाईएस्ट स्कोर 132 नॉट आउट बहुत बढ़िया देखिए इसे कहते हैं कि खिलाड़ी और इसे कहते हैं ये खेल और फेवरेट है देखिए बिल्कुल ट्वेंटी ट्वेंटी खेलते हैं वहां पे भी अगर फाइव डे में भी मौका मिल जाता है तो वहां पे भी ओडीआई में इनको कभी तीसरे कभी चौथे नंबर पे कभी ओपनर तो हर जगह आपने इन्होंने परफॉर्मेंस से सबको कायल किया है तो यही एक अच्छे खिलाड़ी की निशानी होती है पहचान होती है तो डेविड मिलान जी बिल्कुल क्या कहना चाहेंगे इनके बारे में जी डेविड मिलान का टी ट्वेंटी आंकड़े अभी तक नहीं है क्योंकि इस बार डेब्यू कर रहे हैं लेकिन हाँ बहुत हाइप के साथ आ रहे हैं डेविड मिलान अगर आईपीएल की बात करें डेब्यू कर रहे हैं और आईसीसी के टी के टॉप रैंकिंग बल्लेबाज हैं नंबर वन टॉप किंग टी20 के बल्लेबाज हैं ये भारत में अगर बात करें तो इनका आ, इनको टी20 में ज्यादा खिलाया गया था क्योंकि टी20 स्पेशलिस्ट माना जाता है और आखिरी का जो मैच था फिफ्थ टी20 मुकाबला हालांकि वो सीरीज इंग्लैंड जरूर हार रही थी लेकिन वहां पे टॉप स्कोर इन्होंने 68 रन का किया था तो इनसे उम्मीदें बहुत अच्छी हैं बहुत ज्यादा हैं अगर आईसीसी अगर टी20 करियर की बात करी जाए वो भी 2020 में, तो इन्होंने 24 मैचेस खेले हैं एक हजार तीन रनों ने बनाए इनका है एक सौ तीन का और 144 का इनका स्ट्राइक रेट है, तो एक बहुत अच्छा बल्लेबाज यहाँ पर पंजाब को, क्योंकि मेरे ख्याल में बल्लेबाज बहुत अच्छे राहुल आपके पास केल की कमी नहीं है क्योंकि जब जब ये बल्लेबाज छक्के लगाते हैं बाहर प्रीति जिंटा बल्ले बल्ले करती नजर आती है बिल्कुल तो जिन्होंने ओवरऑल आईपीएल के 21 मैच खेले पांच सौ इक्कीस रन है पिछले साल की बात करें सीजन की तो उसने चौदह मैच में तीन सौ रन एवरेज पैंतीस का और स्ट्राइक रेट एक सौ सत्तर का बिल्कुल तो क्योंकि पंजाब की टीम में कुछ एक ऐसे खिलाड़ी आते हैं जो खेलते हैं और चमक जाते हैं तो ये खिलाड़ी चमका है लास्ट ईयर की बात बात हम करें जी बिल्कुल निकोलस का बहुत अच्छा जो है है अगर मैं बात करूं आ, करियर रहा है और अगर इसके बाद हम बात करें क्रिस गेल की तो भाई यूनिवर्सल बॉस है वो आ, और मतलब मैदान का कोई ऐसा हिस्सा जब जब वो उनका जब वो उनका आप देखते हैं ना ओवरऑल व्यू जब देखते हैं ना एक मैच खत्म हो जाने अब मैं आपको बताता हूँ उनका छक्का जो है ना मैच पूरे ग्राउंड के ना हर एक कोने में उन्होंने छक्का लगा रखा है मतलब आप उनका ग्राफ देखेंगे ना तो ग्राउंड के हर एक कोने में उन्होंने छक्का लगा रखा है ऐसा कोई आपको कोना नहीं मिलेगा जहां पे यूनिवर्सल बॉस ने छक्का ना लगाया हो आप देखिए ना एक सौ बत्तीस मैचेस खेले हैं उन्होंने जी बिल्कुल मैचों में चार हजार सात सौ बहत्तर रन किए हैं और मतलब पांच हजार ही मान लीजिए आप चार हजार बिल्कुल आप पांच ही मानेंगे और दो हजार बीस की अगर आप बात करें, तो क्या जी साल लगातार नहीं खेले हैं लेकिन जो मैच खेले है, उसमें करके तो है, अपना दिखाया है खेले हैं 2020 में रन 228 इनके बल्ले से दिख रहे एवरेज 41 का रहा है इनका लेकिन स्ट्राइक रेट वन थर्टी का स्ट्राइक रेट और हाईएस्ट स्कोर पिछले साल की बात करें तो निन्यानवे रन का इनका हाइएस्ट स्कोर रहा है तो मतलब सेंचुरी से थोड़ा सा दूर वहां पर जरूर रह गए लेकिन हाँ डेफिनेट

वाले गेंदबाजों के लिए और पंजाब के फैंस के लिए वंडरफुल और अगर बात करें आ, हमारे पंजाब के आखिरी प्लेयर टू वॉच आउट तो बात करेंगे हम मयंक मयंक अग्रवाल अग्रवाल की वैसे भारत में आ, अगर भारतीय टीम के लिए खेलें तो टेस्ट में उनका बहुत अच्छा अभी तक रिकॉर्ड रहा है लेकिन आ, टी में उनके अगर मुकाबलों की बात करें आईपीएल में खासकर तो वहीं एटी एट उन्होंने खेले सोलह सौ रन उनके बल्ले से निकले पिछले साल की अगर हम बात करें तो ग्यारह मैचेज खेले थे चार रन उन्होंने मारे थे एवरेज

बहुत कुछ है ये बल्लेबाजों से भरी एक टीम है लेकिन हाँ मेरे ख्याल से गेंदबाजी के मामले में वहां पे थोड़े से हैं शायद इसी वजह से जो है अभी तक वो ट्रॉफी जो है इनसे थोड़ी सी दूर रही है बस हमें आज का ये मैच जो है ये ऐतिहासिक मैच बनाना है ये स्पोर्ट्स क्लैशिज का लाइव एक्शन आपके साथ बनता है हमेशा रोज बनता है आज मैच नंबर चार है तो आप स्पोर्ट्स क्लैशिज के हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हैं वहां पे आप हमें फॉलो करते हैं स्पोर्ट्स क्लेश के फैन पेज फेसबुक पर आप हमें फॉलो करते हैं स्पोर्ट्स क्लेश के यूट्यूब चैनल पर आप हमें फॉलो करते हैं और आप सारा के सारे कमेंट्स भी हमें करते हैं आप आप मैच के साथ जुड़ी हर जो रणनीति आपके कैलकुलेशन खुद की आपके आने प्रोडिक्शन आने वाले पलों के बारे में आप बताते हैं कि यह होने वाला है और हमारे स्पोर्ट्स फ्लैशिज के स्टूडियो के अंदर आपके लिए लेके आते हैं हम एक्सपर्ट्स आपके लिए लेके आते हैं क्रिकेटर्स एक्स क्रिकेटर्स हवा करीम आते हैं आपके लिए यहाँ पर रितेंद्र सिंह सोडी आते हैं आपके लिए यहाँ पर राजकुमार शर्मा जी बिल्कुल के कोच हैं आपके लिए यहाँ पर दिग्गज एक्सपर्ट्स आते हैं तो सब कुछ आपके लिए स्पोर्ट्स फ्लैशेस लेकर आता है तो कहीं जाने की हिलने की हिमाकत भी मत करिएगा बॉटम लाइन तो ये है जी बिल्कुल तो आज शाम को साढ़े छह बजे एक बार फिर हम होंगे लाइव आपके साथ हमारे स्टूडियो से और आप हमें हमारे को सोशल मीडिया पर जहां जहां चाहे वो फेसबुक हो चाहे वो ट्विटर हो चाहे इंस्टाग्राम हो चाहे यूट्यूब हो हर जगह हमें फॉलो कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और अगर आप गाना पर हैं तो वहां पर स्पोर्ट्स फ्लैश रेडियो है उसको फॉलो कीजिए और आप वहां पर लाइव डिस्कशन और कॉमेंट्री सुन सकते हैं आईपीएल के सभी मैचेस की तो हम आपसे मिलेंगे आज शाम को बजे जब मुकाबला होगा किंग्स पंजाब पंजाब जी नहीं किंग्स और उसके साथ साथ सामने होगी राजस्थान रॉयल्स तो डेफिनेटली यह होगा एक बहुत अच्छा मुकाबला देखेंगे हम शाम को साढ़े छह बजे जब लाइव होंगे स्पोर्ट्स लाइव मैं अंकुश और हमारे साथ हमारे गेस्ट भी